खबर लखीमपुर खीरी से है। अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। अवैध तरीके से कई पक्के मकानों को गिराया गया है जो बनाए गए थे। संकटा देवी मार्ग पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। कई ऐसे निर्माण पक्के मकान जो बनाए जा चुके थे, कागजात पूरे नहीं थे, अवैध तरीके से बनाया गया था, इन पर अब एक्शन पीला पंजा चलते हुए आप देख सकते हैं। संकटा देवी मार्ग है, यहीं पर ये अवैध मकान बनाए गए थे, प्रशासन ने इसे ढहाया है बुलडोजर लेकर के। देखिए प्रशासनिक अमले के लोग अधिकारी मौजूद रहे, स्टैंडर्ड सिक्योरिटी के साथ ये काम किया गया। ये देखिए लखीमपुर खीरी में ये पक्के मकान बनाए जा चुके थे, इन्हें गिराया गया है। संकटा देवी मार्ग पर ये अवैध निर्माण था जिसे हटाया गया। गाजियाबाद में युवक खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। विजयनगर में एनएच 9 पर युवकों का रील बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। हाथ में पिस्टल लेकर कुछ बदमाश रील बनाते दिखाई दे रहे हैं। गाजियाबाद से खबर, एनएच 9 पर रील बनाते एक वीडियो सामने आया है। हाथ में पिस्टल, आगे बढ़ रहे हैं, गाड़ी से निकल रहे हैं, हाथ में पिस्टल है और ये एनएच 9 है। जालौन से खबर है, सर्व शिक्षा अभियान का बुरा हाल बताया जा रहा है। आवासीय विद्यालय में बच्चों से कराई जा रही है मजदूरी, ये भी खबर आ रही है। छात्राओं से मिट्टी ढुलाई का काम कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने इस बात का वीडियो बनाया है, सोशल मीडिया पर शेयर किया है, अब ये वीडियो वायरल है। उच्च अधिकारियों को जांच के निर्देश दिया गया। विकास खंड नंदी गांव के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का मामला है। ग्रामीणों ने यह वीडियो बनाया है, उनका कहना है कि बच्चों को पढ़ाया तो नहीं जाता लेकिन हाँ उनसे मजदूरी कराई जाती है, और उन्होंने ये वीडियो बनाया, शेयर किया। जब ये वीडियो शेयर हुआ तो हड़कंप मचा, जांच की बात कही गई। सर्व शिक्षा अभियान का ये हाल है। ये वीडियो स्कूल का है, ग्रामीणों ने बनाया है। इनका कहना है वो अपने बच्चों को स्कूल तो भेजते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन यहाँ स्कूल में ये हो रहा है, बच्चों से मिट्टी ढुलाई जा रही है, मजदूरी कराई जा रही है। अब इस पूरे मामले पर जांच बिठा दी गई। शुरुआत करते हैं जहां ग्रेटर नोएडा से खबर है। दादरी के लुहारली टोल प्लाजा पर मारपीट की खबर है। आधार कार्ड दिखाने के बाद भी लोगों को आगे नहीं निकलने दिया गया और इस बात पे मारपीट हो गई। लोगों और टोल कर्मचारियों के बीच मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तो देखिए टोल पर एक और मारपीट की खबर आ गई। इस बार मसला ये है कि आधार कार्ड दिखाया गया, सारे जरूरी डॉक्यूमेंट दिखाए गए, लेकिन बावजूद भी आगे नहीं जाने दिया गया। दादरी लुहारली टोल प्लाजा का वीडियो है, सीसीटीवी वहां जो इंस्टॉल था उससे ये फुटेज मिला है। और यहां आप देख सकते हैं कि गाड़ी से बाहर निकलते कुछ लोग हैं, टोल कर्मचारी हैं, पूरा मौके पर माहौल ऐसा है कि कागज दिखाए, डॉक्यूमेंट दिखाए, टोल में छूट के लिए संभवतः ये लड़ाई हुई होगी, लेकिन बात आगे बढ़ गई और मारपिटाई का ये वीडियो सामने आया है। ग्रेटर नोएडा दादरी लुहारली टोल प्लाजा जहां से ये फुटेज सामने आया है, दादरी लुहारली टोल प्लाजा पर मारपीट। आधार कार्ड दिखाने के बाद भी लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया, ये आरोप है। और ये कह के जो गाड़ी में सवार लोग थे और टोल कर्मचारी थे आपस में भिड़ गए, और ये वहीं पर इंस्टॉल सीसीटीवी से फुटेज मिला है। आप देखिए इस फुटेज को ध्यान से देखें तो गुत्थम गुत्था कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी में सवार जो लोग हैं वो टोल कर्मचारियों से भिड़ते हुए दिख रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।